दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आपका अभिलेख के बारे में। अभिलेख को इंग्लिश में कहा जाता है रिकॉर्ड। बहुत सारे बच्चों को अभिलेख के बारे में नहीं पता होता। क्लास 11th 10th के बच्चे आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन अभिलेख, शिलालेख और इन सब के बारे में कुछ नहीं पता होता उनको। तो आज बात करेंगे, सबसे पहले बात करें अभिलेख की। जो परंपरा हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले किस शासक ने चालू की थी, तो अशोक सम्राट ने चालू की थी। लेकिन उन्होंने कहां से, ईरान के जो शासक हुआ करते थे डेरियस से, क्या इन्होंने कॉपी की थी, यानी नकल कर ली थी इनसे। अब बात करें अभिलेख होता क्या है, तो याद रखना अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खोदे होते हैं, ठीक है, उन्हें अभिलेख कहते हैं। यानी कि आपका कठोर सतह पे मिट्टी के बर्तन हो, जैसी कठोर यानी धातु हो, उन पे लिखे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। और वैसे ही अगर पत्थर पे आपने ठोक ठाक के लिख दिया तो वो बन जाता है आपका शिलालेख, ये सिंपल भाषा में। यानी कि इसे ठोक ठाक के लिख दिया वो बन गया अभिलेख, और पत्थर पे ठोक ठाक के लिख दिया वो बन गया शिलालेख। अब बात करें जैसे पिलर की बात करें, पिलर बना दिया और उस पे क्या है, ठोक ठाक के लिख दिया। जो पिलर होता है आपने देखा होगा इलाहाबाद में, जो स्तंभ है उस पे क्या है, ठोक पिलर था वो, उस पे ठोक ठाक के लिख दिया, और वो कहलाता है क्या, आपका स्तंभ लेख कहलाता है, ठीक है, स्तंभ लेख याद रखना है। ये आपने देख बहुत सारा सुना होगा, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, और साउथ भारत में कई जगह आपको स्तंभ लेख मिले थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि भित्ति लेख क्या होता है, ठीक है, जैसे दीवार पर बना दिया तो वो कहलाता है भित्ति लेख। जैसे आपने देखा होगा कलेक्टर ऑफिस में या कलेक्टर के साहब के घर के बाहर देखा होगा, वहां पे लिखा होता है उनका नाम, तो वो क्या होता है, भित्ति लेख होता है। क्या वो क्या होता है, दीवार पे बना दिया जाता है तो भित्ति लेख कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस शॉर्ट वीडियो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।